श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व पर सिख समुदाय के लोगों ने शहर में कीर्तन जुलूस निकाला। सिख धर्म के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को रमना स्थित गुरुद्वारा साहिब ने नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के आगे आगे घोड़ा व बैंड पार्टी और इसके पीछे पीला वस्त्र धारण किए पंज प्यारे जसवीर सिंह, विकास सिंह, तेजविंदर सिंह, पपिंदर सिंह व महेंद्रजीत सिंह व पंच प्यारे के वेश में पांच छोटे बच्चे कृपाण लेकर चल रहे थे। बीच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी चल रही थी। नगर कीर्तन में गुरु शिष्य शहादत की इतिहास को बयां कर रही थी। 12 झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। इस दौरान दिल्ली से आई गतका पार्टी ने जगह जगह हैरत अंगेज करतब दिखाए। रास्ते में जगह जगह नगर कीर्तन का शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गुरुद्वारा साहिब से निकला नगर कीर्तन हरिसभा, मोतीझील, अस्पताल रोड, सुतापट्टी, सरियागंज, गरीबस्थान, सोनारपट्टी, दीपक सिनेमा, हरिसभा चौक होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंची। इससे पूर्व रागी जत्था सहारनपुर के भाई गुरमीत सिंह व रविंदर सिंह ने गुरुवाणी का गायन किया। लुधियाना से आए भाई देवेंद्र सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान संत व परोपकारी थे। वहीं गुरु चरण सिंह ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कोषाध्यक्ष सरदार पंजाब सिंह ने बताया कि रविवार को अखंड पाठ का समापन होगा, इसके बाद शहीदी पर्व मनाया जाएगा। तेग बहादुर जी महाराज जिनका कल 17 तारीख को दिल्ली के चांदनी चौक जहां आशीषगंज गुरुद्वारा साहब स्थापित है वहीं उन्होंने कुर्बानी दी थी। औरंगजेब से की लड़ाई में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना सारा सर्वस्व मार दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो सिखों के 10वें गुरु हैं, जिन्होंने जगते जिगर अपने चार बच्चों को शहादत में शहीद करवा दिया। सो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग सारा सिख समाज, सारा हिंदुस्तान आज नगर कीर्तन आज निकाल रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को याद करते हुए ये आज गुरुद्वारा रमना से मैं निकल रहा गुरुद्वारा साहब ने, तो मैं गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट साहब सरदार गुरजीत सिंह आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। ये नगर कीर्तन आज सड़क शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को 6 बजे गुरुद्वारा साहब स्थापित होगा। रमना गुरुद्वारा से महाराज का 348वां मना रहे हैं, वो हर साल की तरह हर साल भी मनाया जाता है। बाहर से ज्ञानी कसाबाचक और बड़े बड़े पूरी ज्ञानी आते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम चलता है। कल अखंड पाठ साहब रखे गए थे, आज मध्य में आएंगे। कल आपको शाम को 6 बजे श्री संगत अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी, वो सिंह लिखने वाला होगा। आप सारी मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।